हेलो दोस्तों, लाइफ आई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। बेसिक इलेक्ट्रिकल का ये फोर्थ लेक्चर है। यहाँ हम फ्यूज के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, फ्यूज फ्यूज विद्युत धारा के उसमें सिद्धांत पे काम करता है कि नॉर्मली जो करंट कैलकुलेट की जाती है फ्यूज लॉ के अकॉर्डिंग, वो इस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, के इक्वल्स टू डी 3/2। डी यहाँ पर डायमीटर होता है, व्यास। सामान्यतः जो मटेरियल यूज किया जाता है फ्यूज के लिए वो लैड और टिन का बना होता है। लैड व टिन, टिन का परसेंटेज जो होता है वो अपने पास 63% होता है, जबकि लैड का जो परसेंटेज होता है वो 37% होता है। कभी कभी ये परसेंटेज चेंज भी कर दिया जाता है। कुछ बुकों में ये आपको 60% मिलेगा या आपको 40% मिलेगा। जैसे जैसे हम टिन का परसेंटेज इंक्रीज करते हैं तो फ्यूज एलिमेंट का जो गलनांक है वो घटता जाता है। यदि टिन की मात्रा को बढ़ा दिया जाए तो जो अपने पास है फ्यूज एलिमेंट है उसका जो गलनांक है वो घटेगा, और यदि लेड के परसेंटेज को बढ़ाया जाए तो जो अपने पास गलनांक है वो अपने पास बढ़ता है। नॉर्मली 10 एम्पियर तक की जो रेटिंग के जो बिलो हैं, 10 रेटिंग से बिलो के जो भी फ्यूज हैं उनके लिए हम लैड व टिन प्रीफर करते हैं। बाकी 10 एम्पियर से रेटिंग के जो भी अपने पास फ्यूज होते हैं वहाँ हम जो फ्यूज मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं कॉपर। फ्यूज की रेटिंग जो ली जाती है वो एम्पियर में ली जाती है, और जो कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए फ्यूज की वो इन्वर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। यदि फॉल्ट करंट अपने पास जो होगा अगर वो हैवी होगा तो वो कम से कम कम समय में क्या है कि फ्यूज जो होना चाहिए ब्लो आउट होना चाहिए, अर्थात जो फ्यूज एलिमेंट है वो जल्द से जल्द पिघलना चाहिए। कि नॉर्मली जो फ्यूज फैक्टर लिया जाता है, फ्यूजिंग फैक्टर जो होता है सामान्य फ्यूज का, वो अपने पास लिया जाता है 1.4 से 1.7। लेकिन HRC फ्यूज के लिए जो फ्यूजिंग फैक्टर लिया जाता है वो लिया जाता है 1.1। तो फ्यूज अपने पास जो होता है कि एक बेसिकली सुरक्षात्मक युक्ति होती है। नॉर्मली अपने पास घरों में जो फ्यूज यूज करते हैं इनके बहुत से टाइप होते हैं, जैसे किटकैट, कार्टेज, राउंड फ्यूज, HRC फ्यूज। घरों में जो नॉर्मली पहले हम यूज किया करते थे वो किटकैट फ्यूज यूज करते हैं। आज हम किट फ्यूज को ना यूज़ करके सामान्यतः मिनिएचर सर्किट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास टाइप्स ऑफ करंट, धारा के प्रकार। धारा दो प्रकार की होती है, डायरेक्ट करंट जिसे हम दिष्ट धारा बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट जिसे हम प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। पहले हम चर्चा करेंगे दिष्ट धारा के बारे में, डायरेक्ट करंट, कि डायरेक्ट करंट होता क्या है। देखिएगा, दिष्ट धारा में जो होता है अपने पास यानी कि DC, जो इसका मान है वो समय के अनुसार परिवर्तित नहीं होता। आप कोई सा भी समय लेके ले लीजिए, T1, T2, T3, जो भी वैल्यू है करंट की वो वैल्यू चेंज नहीं होती। अर्थात वह धारा जिसका मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता, ना ही इसकी दिशा परिवर्तित होती है। हम कह सकते हैं वह धारा जिसका मान व दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होते अर्थात नियत बने रहते हैं, क्या कहलाती है, दिष्ट धारा कहलाती है। सामान्यतः जो DC के जितने भी उपकरण हैं उन पर जो वैल्यू दर्शाई जाती है वो अपने पास औसत मान को दर्शाया जाता है, एवरेज वैल्यू। बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट की, AC। प्रत्यावर्ती धारा,
देखिए प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, यहाँ पर इसका मान अलग होगा, यहाँ इसका मान अलग होगा, यहाँ पर इसका मान अलग होगा और यहाँ पर इसका मान, यहाँ डायरेक्शन भी चेंज हो गई। तो हम कह सकते हैं कि वह धारा जिसके मान व दिशा समय के साथ परिवर्तित होते हैं क्या कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। इन सबको हम डिटेल में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डीसी के बारे में। तो हेडिंग डालिएगा दिष्ट धारा। तो हम डिटेल में डीसी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जो डीसी है वो तीन प्रकार की होती है, परिवर्तित डीसी, शुद्ध डीसी, पल्सटिंग डीसी। देखिए परिवर्तित डीसी में क्या होगा, अपने पास जो डीसी का मान है वो चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती। और जो शुद्ध डीसी है अपने पास, शुद्ध डीसी में ना तो मान चेंज होगा इसका, ना ही इसकी दिशा चेंज होगी। और जो पल्सटिंग डीसी है इसमें अपने पास जो आउटपुट मिलेगा ये डीसी पल्स के फॉर्म में होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पल्सटिंग डीसी। परिवर्तित डीसी हमें एससीआर से मिल सकती है, चॉपर से मिल सकती है। शुद्ध डीसी हमें बैटरी और सेल से मिलती है, बैटरी व सेल। और पल्सटिंग डीसी, पल्सटिंग डीसी अपने पास डीसी जनित्र का आउटपुट होता है। नेक्स्ट हम जो चर्चा करते हैं डीसी में एनालिसिस करते हैं, तो इसके लिए सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ। तो हेडिंग डालिएगा ओम्स लॉ। देखो जनरल से ओम्स का लॉ है वो दो तरीके से डिफाइन किया जाता है, आई प्रोपोर्शनल टू वी या फिर v प्रोपोर्शनल टू i। यहाँ अपने पास i कांस्टेंट लेते हैं g, जहाँ g बराबर होता है 1 अपॉन r, वैल्यू पुट करते हैं i इक्वल्स टू v अपॉन r। और इस रिलेशन को देखें तो v प्रोपोर्शनल टू v इक्वल्स टू i r। जनरल सी बात की जाए कि इन दोनों नियम में से कौन सा सही है, पीएचडी के अकॉर्डिंग यही लो सही माना जाता है। बहुत बार ये आरआरबी में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ठीक है सही कौन सा है। देखिए ओम्स लॉ कहता क्या है, फर्स्ट लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं। ओम के नियम अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक राशियों को नियत रखा जाए तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। यानी कि ये जो वायर है इस पर हम जो भी पोटेंशियल लगाएंगे तो ये जो पोटेंशियल है तो ये धारा जो होगी इसके समानुपाती होगी। अगर ये पोटेंशियल जीरो होगा तो करंट भी जीरो होगी, ये अगर इनफाइनाइट होगा तो ये भी इनफाइनाइट। इस लॉ के बारे में बात करें तो इस लॉ को हम इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, किसी भी बंद परिपथ में यदि किसी चालक की भौतिक राशियों को नियत रखा जाए तो चालक में होने वाला विभव पतन चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, तो ये सही होता है। जनरली डिफाइन करने के लिए इस लॉ को ही फॉलो किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ओम का नियम किस पर लागू होता है। ये एक लीनियर रिलेशन है, जनरली हम पढ़ते हैं वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स, ये एक सरल रेखा की इक्वेशन होती है वाई बराबर एम एक्स। यहाँ भी ये रिलेशन भी देखिए, ये भी सेम एक सरल रेखा के ही रिलेशन है कि जनरली इसे इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पर आई और यहाँ भी। तो यहाँ जो हमें ग्राफ मिलेगा वो एक रेखीय रिलेशन मिलता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ओम का नियम किस पर लगता है, रेखीय परिपथों पर लगता है। ओम का नियम अपने पास एसी और डीसी दोनों पर लागू होता है। ओम के नियम से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु, फर्स्ट ओम का नियम रेखीय परिपथों पर लागू होता है। सेकंड, ओम का नियम एसी व डीसी दोनों पर लागू होता है। ओम का नियम अरेखीय परिपथों पर लागू नहीं होता, अरेखीय परिपथों पर लागू नहीं होता, जैसे अर्धचालक। जितने भी अपने पास अर्धचालक युक्तियाँ होंगी, SCR, IGBT, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर,
एटसेट्रा, इन सभी पर ओम का नियम लागू नहीं होता। क्वेश्चन देखते हैं कि जनरली किस तरीके के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं ओम के नियम से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन, ओम का नियम निम्न में से किस पर लागू होता है? ऑप्शन ए एसी, ऑप्शन बी डीसी, ऑप्शन सी अर्धचालक, ऑप्शन डी ए व बी। जहाँ पर राइट आंसर होगा अपने पास डी। जनरली ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी एग्जाम में पूछा, जनरली ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में दूसरे तरीके से भी पूछा गया है, जहाँ आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता, यहाँ दे देता है कभी कभी आपको कोई भी अर्धचालक दे दिया, जैसे डायोड। इस सिचुएशन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या लगाएं। जब आपको ऑप्शन में मेंशन ना हो तो उस सिचुएशन में हम डीसी प्रीफर करेंगे, डीसी ही राइट आंसर होगा, क्योंकि एसी में हमें नहीं मालूम कि हो सकता है कोई सा भी नॉन लीनियर एलिमेंट यूज़ किया गया हो, इसलिए जनरली क्या आंसर करते हैं डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओम का नियम निम्न में से किस पर लागू नहीं होता? ऑप्शन ए एसी, ऑप्शन बी डीसी, ऑप्शन सी डायोड, ऑप्शन डी प्रतिरोध। यहाँ पर आंसर आएगा सी, क्योंकि डायोड क्या है, अर्धचालक है, और अर्धचालकों पर ओम का नियम लागू नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से, क्वेश्चन थर्ड, निम्न में से कौन सी रेखीय युक्ति नहीं है? ऑप्शन ए संधारित्र, ऑप्शन बी प्रेरक, ऑप्शन सी प्रतिरोध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए ये तीनों एलिमेंट अपने पास क्या है, लीनियर रिलेशन देते हैं, तो ये तीनों के तीनों ही रेखीय हैं, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनरली ओम के नियम से जो रिलेशन से जो भी अपने पास न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो अपने पास वोल्टेज ट्रायंगल से सॉल्व हो जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है वी इक्वल्स टू आई आर। देखिए यदि आपको वोल्टेज फाइंड करना हो तो V को हम हाइड करेंगे, क्या बचा IR, तो क्या आ गया V का फॉर्मूला V इक्वल्स टू IR। यदि आपको R फाइंड करना है तो R को हाइड करेंगे, क्या बचा V अपॉन I। इस तरीके से R कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर करंट कैलकुलेट करना हो तो I को हाइड करेंगे तो क्या बचा हमारे पास V अपॉन R, तो I इक्वल्स टू V अपॉन R। तो तीनों फॉर्मूले जनरली वोल्टेज ट्रायंगल से हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आजकल जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो आपके कन्वर्जन से रिलेटेड आते हैं, कि जिस बच्चे को जैसे मिली का नहीं पता, किलो का नहीं पता, तो पहले हम वो टर्म लिख लेते हैं कि मिली और किलो माइक्रो क्या होता है। देखिएगा, मिली स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है इसे, इसका मतलब होता है 10^-3। माइक्रो म्यू से डिनोट किया जाता है, इसका मतलब होता है 10^-6। नैनो स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है, इसका मतलब होता है 10^-9। पीको स्मॉल पी से डिनोट किया जाता है, इसका मतलब होता है 10^-12। ये सारा जो ऑर्डर है अपने पास माइनस में है, इसी तरीके से प्लस में होता है,
किलो, इसे कैपिटल के से डिनोट किया जाता है, इसका मतलब होता है 10^3। मेगा, इसका इसे कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है, इसका मतलब होता है 10^6। गीगा, कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है, इसका मतलब होता है 10^9। टेरा, कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है, इसका मतलब होता है 10^12। तो जनरली इन एक्सप्रेशन को यूज करके आपसे ओम्स लॉ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखिएगा एक छोटा सा क्वेश्चन है अपने पास, यदि 2 किलो ओम के प्रतिरोध को 50 वोल्ट के सप्लाई स्रोत से जोड़ा जाता है तो परिपथ में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ दिया है वी इक्वल्स टू 50 वोल्ट, आर इक्वल्स टू 2 किलो ओम, कैलकुलेट करना है आई। देखिए आई का फॉर्मूला होता है आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। वी की वैल्यू अपने पास 50 है, आर की वैल्यू है 2 किलो ओम, 2 × 10³। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया 25 × 10⁻³, 25 इसको बोलते हैं मिली, और करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। तो आई जो हमारे पास आया यहाँ पर 25 mA। जनरल सी मिस्टेक हम ये करते हैं कि नोटिफिकेशन में ये देखते नहीं कि जो हमें रेजिस्टेंस दिया गया है वो किलो में दिया गया है, तो हम सिंपली कैलकुलेट करते हैं 25 और जल्दबाजी में आंसर कराते हैं ए। तो ये जनरल सी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम, किरचॉफ लॉ, किरचॉफ के 2 नियम हैं। पहला किरचॉफ का धारा नियम, दूसरा किरचॉफ का वोल्टेज नियम। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं किरचॉफ का धारा नियम। देखिए किरचॉफ के धारा नियम अनुसार क्या होता है अपने पास, किसी भी संधि बिंदु पर आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है, समीशन ऑफ आई इक्वल्स टू 0। देखिएगा इस पॉइंट पर हमारे पास कौन कौन सी धाराएं जो आ रही हैं, I1, I2, I5। ये जो धारा है इनके साथ हम पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, I1 + I2 + I5। जाने वाली धारा है अपने पास I3, I4, I6, तो इनके साथ जो साइन लेते हैं वो माइनस, माइनस का I3 - I4 - I6 इक्वल्स टू 0। I1 + I2 + I5 पक्षांतरण कर देते हैं, I3 + I4 + I6, ये जो धाराएं थी अपने पास आने वाली धारा थी, और ये जो धारा है अपने पास जाने वाली धारा। तो जनरली हम बोल देते हैं कि इस इक्वेशन से कि किसी भी संधि बिंदु पर आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर होती है। तो फर्स्ट लेक्चर में बेसिक इलेक्ट्रिकल में मैंने बताया था कि I इक्वल्स टू होता है Q अपॉन T, I प्रोपोर्शनल टू होता है Q। तो यहाँ मैं जनरली ये भी लिख सकता हूँ I1 किसके प्रोपोर्शनल होगा, Q1, ये Q2, ये Q5, ये Q3, ये Q4 और ये Q6। तो यहाँ से ये निश्चित हो जाता है कि आने वाला आवेश किसके बराबर है, जाने वाले आवेश के। ना तो हमने आवेश बनाया ना ही आवेश नष्ट किया, ये कौन सा सिद्धांत है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत है।
तो हम सिंपली कह सकते हैं कि किरचॉफ का धारा नियम किस पर आधारित है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास होगा वो होगा किरचॉफ का वोल्टेज नियम, वो हम कल पढ़ेंगे। देखिएगा जो भी आपको वीडियो है, आज हमारा जो लेक्चर था, आपको यदि हमारे चैनल पे जो भी चीज़ अच्छी लगे तो ठीक है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट।